मी तुमचे सगळे पेलो पशी बसले हो पाहिजे आता ते भाई आमचे आमचे आम्ही काम करणार आहे दुसरे याच्याशी आम्ही काम करणार नाही बोला ये डायरेक्ट बेलो सगळे समोर आहे माझ्या ते सगळे एकदम हां बोला स्पीकर आहे मोबाईलचा ओ स्पीकर आहे सगळे बेलो आहे का भाऊ हां हां मुहिम आपके पास में नारेगांव में आपने शुरू की है प्रशासन की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है हमें पता चला है कि कुछ थोड़ी आपकी सुबह में हुज्जतबाजी भी हुई प्रशासन के लोगों के साथ क्या कहेंगे जी साहब ऐसा है कि यहाँ पर जो है तो तीन बेलो नहीं आए 274 275 और 278 अभी तीन बेलो नहीं है आने की वजह से क्या हुआ साहब इसमें क्योंकि वो जो लोग मेरी माँ बहनें जो भाई बुजुर्ग आए आज छुट्टी रहती उनको क्योंकि रोज़मर्रा की जिंदगी इंजीनियर लोग है आज छुट्टी रहती इसके लिए जो है तो आज वो तीन बेलो नहीं आने की वजह से लोगों को फिर कल काम छोड़ना पड़ेगा फिर वो यादी लिंक करना पड़ेंगी तो हमने यहाँ के जो अपने तहसीलदार साहब हैं बोबड़े साहब उनसे बात की कि सर यहाँ पर तीन बेलो नहीं आए हैं यादी नंबर 274 275 और 278 तो उन्होंने बात करें मैं भेज रहा हूँ उनको तो भेज रहा हूँ तो उनसे बात करने के बाद में उन्होंने बताया किसी ने बताया कि भाई उनके नंबर आने के बाद में कोई बोल रहा मैं बीमार हूँ कोई बोल रहा मैं बाहर हूँ और कोई बता रहा है कि एक का तो सोचा पीछे हो रहा फोन तो इससे क्या हो जाता जो हमारे लोगों के अंदर जो आज छुट्टी के दिन जो जमा हुए हैं वहाँ आधार कार्ड लिंक करने के लिए और नए आधार कार्ड लेने के लिए अब इसमें इनको तकाजे होते अब कल इनको फिर काम छोड़ना पड़ेगा फिर काम छोड़ के जाना पड़ेगा अब ये ऐसा अगर चलता रहा आप तो कहीं ना कहीं तुम्हें अब ये तो खुली बात दिखती बात है कहीं ना कहीं तुम्हें प्रशासन के बड़े अधिकारी से लेके तो नीचे अधिकारी तक सबसे हम आत्मन गुजारिश करते हैं कि हम जो जो लोग आप जो निवर्णुक आयोग की तरफ से और जिलाधिकारी साहब की तरफ से जो आदेश पारित कर रहे हैं कम से कम उसको फॉलो सही करो अगर उसको फॉलो सही करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई पूरे अधिकारी कर्मचारी हुआ अपने को चाहिए तो कोई जाए जिस दिन काम को आया वो मायूस होकर नहीं जाएगा क्योंकि जब आता हो इंटरेस्ट से एकदम भाई मेरा आएगा मेरा देखूंगा मैं जाता हुआ वहाँ जाने के बाद वो लोग नहीं मिलते उसको तो उसके बाद क्या होता साहब वो बाद में बोलते जान दो क्या है वो कोई रहता ही नहीं क्या मतलब आता एक बार आएंगे दो बार आएंगे तीन बार आएंगे तो ऐसे लोग जो है थोड़ा सा अधिकारियों की तरफ से थोड़ा सा मसला ऐसा हो रहा है इसके लिए लोग क्या होते नाराज़ होते हैं इसमें सोशल वर्कर है वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है तो आपको भी टालम टाल कर रहे हैं वो तो आपको क्या लगता है इलेक्शन करीब है हो पाएगा ये आधार से लिंक हो पाएगा पूरा 100% तो नहीं होगा और ऐसा नहीं है कि आधार लिंक नहीं होगा तो मतदान भी नहीं होगा ऐसा नहीं है वो लेकिन मसला ये है इसके अंदर कि टालम टाल करने की वो चीज़ है कि नीचे के जो कर्मचारी आप किसी के कुछ तकाजे रहते हैं किसी के कुछ मसले रहते हैं लेकिन उनसे मेरी आत्मन गुजारिश है जिलाधिकारी साहब से अगर वो आदमी को उस दिन अगर बीमार है तो उसकी जगह कोई दूसरा बेलो दे तो लोग जो है तो पीछे होकर मायूस होकर पीछे जाएंगे नहीं ये मेरी जिलाधिकारी साहब से आत्मन गुजारिश है इनके जो प्रोटोकॉल है और ध्यान में रखिए साहब सबसे पहली बात अगर हमको प्रशासन की तरफ से अगर मालूम नहीं रहती दो दिन कैसे हम तुमको मैसेज देते इस चीज़ का हमको हर चीज़ इसकी मालूम मिलती है और हम जो है तो निवर्णुक आयोग हो जिलाधिकारी साहब हो जितने भी हमारे सोशल नेटवर्क है पूरे प्रशासन महानगर पालिका प्रशासन जिलाधिकारी प्रशासन और पुलिस हमको ये चीज़ अपने पास जो आती है क्योंकि जिलाधिकारी साहब थोड़ी बोलते कि भाई तुम एक काम करो अभी ये काम कर लो कल चालू हो जाएगा नहीं दो चार दिन पहले वो मैसेज देते इस चीज़ का बेलो तुम्हारे एरिया में आने वाले और हमने वो तालुक से एरिया के अंदर गली गली घूमकर ये चलाए भी हमने इसको गली गली घूमकर इसको चलाए भी और इसको बताए भी लोगों को और लोग तैयार हो गए अब लोग ऐसा होगा इच्छुक कि अब सर भाई अब तुमने बोले भाई हम आए अब 74 यादी 275 यादी और 278 यादी ये लोग नहीं अब वो लोग मायूस होकर पीछे आ रहे फिर ऐसी मायूसी ना हो इसके लिए मेरी जिलाधिकारी साहब से अदबन गुजारिश है अगर वो बेलो को कुछ कारण से नहीं आ सकता या कुछ तकाजे से नहीं आ सकता तो फौरन इमीडिएटली उसकी जगह पे जो तो दूसरा बेलो तय कर दिया जाए और उसको भेजा जाए तो जो लोग मायूस नहीं होने के वो मायूस नहीं होने वाले लोग
लगभग कितने लोग आज के डेट में जो है तो यहाँ पे जो तो आधार से लिंक कर पाए अपना कार्ड? तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है तो आधार से लिंक कर पाए, लेकिन तीन ही यादियाँ छोड़कर 274, 275, 278 ये यादें छोड़कर बाकी वो तीन ही यादों की मैंने एक से बात किया मैडम से, तो मैडम ने बोले मैं जो है तो तकाजे में हूँ, और सर से बात किया तो सर बोले मैं बीमार हूँ, और एक सर का तो फोन ही लगाने पड़ा सर का, ऐसा मैंने पूरी बात किया हो। अब इसमें जो है तो साहब ये प्रशासन जो हमको आदेश देता है, जिलाधिकारी साहब हमको आदेश देते हैं, से जो आदेश आता है हमको ये पारित करना पड़ता है, पारित कर रही है। माफी चाहता रोकना, कहीं ना कहीं इलेक्शन के दिन जब वोटिंग रहेगी तो ये चीज आड़ बनेगी या लोगों को कंफ्यूज होने की वजह से कि यार हमारा आधार लिंक नहीं है, वोट डालने क्यों जाए क्योंकि वोट नहीं होने वाला, ये गलत फहमी लोगों की दूर करें। नहीं ऐसा नहीं होगा, आधार कार्ड लिंक इसके लिए है कि जो पैसे की ताकत पे आने वाले लोग, ताकत पे अपनी हुकुमशाही छोड़ लोकशाही छोड़कर हुकुमशाही से जो आने वाले लोग जो अपने वोटर कार्ड 10 जगह बना के रखते, ऐसे लोगों को प्रशासन ने आला डालने के लिए और ऐसे लोगों के कारोबार बंद करने के लिए खास तौर पे ये मुहिम जारी की है, जिसका आधार कार्ड इसके अंदर लिंक रहेगा उसको ही मतदान होगा, और वो आधार कार्ड एक जगह ही लिंक होगा। जैसा कि अब सिटी में कुछ लोगों के नाम है, कुछ नारेगांव में लोगों के नाम है, कुछ गाँव तरफ भी नाम के, ये असल में जो बोगस वोटिंग है ये खत्म होना, इसके लिए प्रशासन ने ये निकाला है। तो मुद्दा इसमें पूरी तरीके से खत्म हो गया कि जैसे कांग्रेस है, वंचित है, MIM, ये तीनों पार्टी जब भी बीजेपी चुनके आती है अच्छी बहुमत से तो एक ही बात बोलते हैं कि EVM घोटाला है, तो अब तो ये नहीं होगा, तो आपका ये मुद्दा तो गया हाथ से। नहीं साहब वो तो क्या बीजेपी को होने वाला है? नहीं ऐसा नहीं है, क्या होता है असल में आप आधार कार्ड के हिसाब से लिंक अगर मतदान गिरेगा तो जो बोगस मतदान जो होता है पैसे का, नहीं बोलो क्या बोले आपने, ये सबसे ज्यादा जो मुद्दा चलता है जब बीजेपी बहुमत से चुन के आती है तो भाई ये EVM घोटाला है, बोगस वोटिंग है, अब आधार लिंक हो जाएगा तो आपका मुद्दा तो ये हाथ से निकल गया, अब आप ये बोल नहीं पाएंगे अगर बीजेपी अच्छी बहुमत से चुन के आती है। नहीं उसका असर भी गिरेगा ना आगे, अभी थोड़ी इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन के बाद तो उसका असर भी गिरेगा उस चीज का। तुम जो बता रहे हैं ना मेरे को साहब ये विंग का लफड़े की वजह से फलाना आगा हमका आगा ढमका आगा, ये हमका ढमके से नहीं, आधार कार्ड लिंक होने से करना ही इसके लिए है कि एक आदमी जो तो गांव तरफ मतदान करता, बाहर भी घर भी मतदान करता, दो दो तीन जगह मतदान नहीं करना उसने, क्योंकि इधर का मतदान अगर उन्हें हकदार करा तो उधर का मतदान बेच डालता हो, इसके लिए ये नहीं होना बोल के। अरे दूसरी बात, कौन सी पार्टी आना कौन सी नहीं आना, यहाँ पर आधार लिंक होने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि विंग का घोटाला है क्या, मतदान के जो मतदान करने वाले को घोटाला है। आधार कार्ड लिंक हुआ तो सबको, मेरे को एक मतदान का अधिकार है, मैं उतना ही मतदान करूंगा, दूसरे को एक मतदान का अधिकार रहेगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो तो संविधान में जो अपने को जो हुक एक हक बताने का जो मौका दिया है उसका पूरा फायदा होगा, और एक आधार कार्ड पे एक ही आदमी मतदान करेगा, लिंक रहने से चार जगह मतदान नहीं होगा, इसको आला डालने की तैयारी चाहती हूँ। दादा ने पूछते हुए अंदर एक नया जोश, एक नई खुशी आपको नजर आ रही है, हमको भी नजर आ रही है कि भाई आधार लिंक होने से अब जो ईमानदार बंदा है वही चुन के आने वाला है। इंशाल्लाह देखो इंशाल्लाह अल्लाह का तो करम है, अल्लाह फैसला करेगा, मेहनत हमारी रहेंगी और जनता की दुआ रहेंगी, इंशाल्लाह जो अल्लाह फैसला करेगा मंजूर रहेगा। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, वंचित बहुजन आघाड़ी युवा शहर अध्यक्ष, औरंगाबाद नारेगांव।